लंबे हाथ वाली बहू के घर वड़ा पाव खाने आई दुर्गा माँ। हे भगवान, ऊपर से नीचे चक्कर लगाते लगाते हालत खराब हो गई है और अभी तो शाम होने में 3 घंटे बाकी है। मुझे काम करना ही होगा, अपने परिवार के लिए करना ही होगा। बबीता 2 दिन से भूखी जैसे तैसे काम कर रही थी, लेकिन ईंट उठाते हुए अब वह गिर पड़ती है। मुझे चक्कर आ रहे हैं खाना ना खाने की वजह से। अरे बबीता, बबीता तू ठीक तो है ना? क्या हो रहा है यहाँ पर? ए उषा, इसको पानी दे। यहाँ पर कोई ड्रामा नहीं चलेगा, मुझे सिर्फ काम चाहिए, काम, समझे? अगर यही करना है तो काम से निकाल दूंगा। नहीं नहीं मालिक साहब, ऐसा मत करना, मैं करती हूँ काम। जी साहब, ये कर लेगी। उषा उसे थोड़ा सा पानी लाकर देती है। मालिक वहां से चला जाता है। देख बबीता, मैं जानती हूँ तू अपने घर की परेशानी से बहुत परेशान है, और मुझे ऐसा लग रहा है तूने कल से कुछ खाना नहीं खाया। मेरे हिस्से का थोड़ा खाना खा ले ताकि तेरे में जान आए, अपनी हालत को भी देख। उषा, तूने मेरी इतनी फिक्र की, मुझे अच्छा लगा, पर तुम मुझसे ज्यादा बातें मत बना। अगर साहब ने देख लिया तो वो हम दोनों को काम से निकाल देंगे। चल काम करें। फिर दोनों शाम तक काम करती हैं और लाइन में लगे मजदूर को मालिक उनकी झाड़ी देता है, तो बबीता को धीरे धीरे काम करने पर कम पैसे देता है, और अगर वह पैसे मांगती है तो निकालने की धमकी देता है, जिस वजह से वह घर पर परेशान होते हुए आ जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, इतने कम पैसे देखकर माँ जी और गुस्सा करेंगी। माँ देखो, महारानी साहिबा आ गई आखिर। ओहो, तो तू आ गई, इतनी देर कहाँ लगा दी, कहीं किसी के साथ घूम तो नहीं रही थी? माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वैसी जैसी मुझे करनी चाहिए। चल पैसे निकाल। ये रहे माँ जी आज के पैसे। बस 80 रुपए, बाकी के पैसे कहाँ हैं? 150 रुपए मिलते हैं ना, कहाँ गायब कर दिए? कहीं गुलछर्रे उड़ा के आई है क्या? मुझे तो माँ यही लग रहा है। इसकी ये हिम्मत, आज तो इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बबीता बहुत मना करती है, लेकिन जमुना को उस पर दया नहीं आती और झाड़ू लेकर मारने लगती है। इतने में शोर से व्हीलचेयर पर बबीता का पति राजेश आता है। माँ माँ, आप ये क्या कर रही हैं? एक तो वो हम सबके लिए इतना कुछ करती हैं और आप इस पर ही बरस रही हैं। चुप कर, तुझे क्या पता ये बाहर क्या क्या करती है? आज पैसे कम लेकर आई है, कल बिल्कुल नहीं देगी, घूम के आई होगी तो। माँ जी आपने मेरे बारे में, आप जानती है ना मैं अपने परिवार से कितना प्यार करती हूँ। घर का खर्च चलाने के लिए मुझे घर से बाहर पैर निकालना पड़ा और आप मुझ पर ही लांछन लगा रही हैं। ऊपर से आपने मुझे 2 दिन से खाना नहीं दिया, वहाँ मेरी तबीयत खराब हो गई जिस वजह से धीरे काम किया, तभी मालिक ने पैसे काट लिए। भूल गई आप 2 दिन पहले आपने क्या किया था? बहुत भूख लग रही है पर यहाँ तो खाना ही नहीं है। अरे चावल है, यही खा लेती हूँ। बबीता जैसे ही बचा हुआ खाना लेती है तो जमुना उसके हाथ से छीन लेती है। जरूरत नहीं है खाना खाने की, शिवानी को भूख लग रही है, वही खाएगी ये चावल। कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे 10 रुपए दे दीजिए, मैं बाहर से थोड़े और चावल ले आऊंगी। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, समझी, तेरे लिए। माँ जी कल ही तो मैंने आपको 150 रुपए दिए दिए थे। तुझे दे दूंगी तो मेरे बेटे की दवाई कहाँ से आएगी, और मुझे शिवानी को भी तो पैसे चाहिए, सब तुझ पर ही लुटा दूं। बेचारी बबीता भूखी रह गई और अगले दिन भी जमुना ने उसे खाना नहीं दिया, घर से बाहर काम करने के लिए भेज दिया। इसके बाद उसकी हालत बहुत कमजोर हो गई। अब तो याद आ गया होगा माँ जी आपको। देख ले राजेश बेटा, तेरी बीवी कैसे जुबान चला रही है। माँ आप ही उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। बस कीजिए, एक तो मेरे एक्सीडेंट के बाद वो मुझे संभाल रही है, इस घर को चला रही है, और आप उसके साथ ही ऐसे। देखा माँ, भैया भी भाभी की तरह आपसे ऐसे बोलने लग गए। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, अब से ये कल वहां पर काम करने नहीं जाएगी, कहीं और जाएगी। इतनी जल्दी मैं नौकरी दूसरी कैसे ढूंढूंगी, इनकी दवाइयां भी खत्म हो रही है। मैंने जो बोलना था बोल दिया। ये सुन बबीता को घर की टेंशन होने लगती है। अगले दिन वह घर से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, माँ जी ने मुझे वहां जाने से मना कर दिया, अब घर का खर्चा मैं कैसे चलाऊंगी, फोन मुझे इतनी जल्दी काम देगा? उसे रोता देख एक बूढ़ी औरत वहां आकर कहती है, बेटी अगर तुम चाहो तो वड़ा पाव बेच सकती हो,
तब तुम्हें किसी के नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है। और आजकल वड़ा पाव की हुड़दंग बहुत ज्यादा है, पर यहाँ तो आसपास कोई बेचता भी नहीं है। अगर है भी तो महंगा देते हैं। तुम्हारा उसमें ज्यादा सामान नहीं लगेगा, तुम कम दाम में वड़ा पाव बेचो, देखना तुम्हारा काम चल जाएगा। सच माँ जी, पर मेरे पास इसके लिए भी पैसे नहीं है। अरे ये मेरी अंगूठी, मुझे इससे कोई लगाव नहीं है। तुम इसके बदले पैसे ले आना और काम शुरू कर दो। आपके लिए अनजान हूँ, आप अपनी मुझे सोने की अंगूठी देकर मदद क्यों कर रही हैं? मैं अनजान कैसे हो सकती हूँ? अभी तुमने मुझे माँ जी बोला, इस तरह से तुम मेरी बेटी हुई। जी करे तो लौटा देना, वरना मेरा आशीर्वाद समझ के रख लो। शुक्रिया माँ जी। इस तरह वो बुढ़िया अपनी सोने की अंगूठी देकर चली जाती है। बबिता भी सुनार पर अंगूठी को देकर बदले में पैसे ले आती है, जिससे वह वड़ा पाव लाने का सारा सामान, ठेला, पतीला, राशन सब ले आती है और सामान बनाने लगती है। माता रानी की कृपा से वड़ा पाव बन गए, अब इसे बेचने चलती हूँ, 2 बज गए। बबिता ठेला लिए मजदूरी की जगह पर वड़ा पाव बेचने चली जाती है। आइए आइए आइए, वड़ा पाव खाइए, मात्र 20 रुपए में। अरे वाह, इतना सस्ता वड़ा पाव, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, जरा मुझे दीजिए। हाँ हाँ लीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है, अब तो मैं रोज खाऊंगी। आंटी जरा मुझे भी दे दीजिए। इस तरह पहले दिन बबिता के वड़ा पाव बहुत अच्छे से बिकते हैं। फिर घर जाकर वो जैसे ही ठेला बाहर लगाकर अंदर आती है, तो शिवानी बड़ी बड़ी आंखें करके जमुना को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद जमुना आंखें दिखाकर बबिता से पूछती है, अरे ये ठेला कहाँ से ले आई? सुबह तक तो चवन्नी नहीं थी तेरे पर। अब आप इतना गुस्सा करेंगे और ना दूसरी जगह काम पर जाने देंगी, मुझे इनकी और इस घर की भी तो चिंता है ना। तो मैंने किसी से पैसे उधार लेकर वड़ा पाव बेचना शुरू कर दिया और आज मेरी कमाई हो गई 400-500 रुपए की। अरे वाह, इससे तो मैं बहुत अच्छी साड़ी ले सकती हूँ और मैं सूट। नहीं माँ जी, पहले मुझे डॉक्टर का चेकअप करवाना है और थोड़ा बहुत वड़ा पाव का सामान भी लाना है। 2-4 दिन बाद आप मेरे से पैसे ले लेना। अच्छा, वड़ा पाव का ठेला खोला है तो हम लोगों को भी वड़ा पाव खिला दो, ये तो आया नहीं होगा आपके दिमाग में। लाई हूँ मैं, थोड़े से वड़ा पाव बचे थे। फिर बबिता सबको वड़ा पाव खिला देती है, जिसे खाने के बाद नकचुड़ी सास और नंद खुश हो जाती है। ये वड़ा पाव तो बहुत अच्छा बनाया तुमने बबिता, मेरी वजह से पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पर आ गई है। मैं कैसा पति हूँ जो अपनी पत्नी पर ही बोझ बन गया हूँ। रोई नहीं, हमेशा सिर्फ पति ही क्यों काम करे, पत्नी को भी तो अपने पति का साथ देने की कोशिश करनी चाहिए ना। बस मैं भी वही कर रही हूँ, आपके लिए कुछ भी देखना, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगले दिन बबिता डॉक्टर के पास राजेश को ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी हालत में सुधार बताता है। धीरे धीरे बबिता रोज वड़ा पाव का ठेला लगाने लगती है, जिससे उसका काम ठीक चल रहा था, लेकिन बीच में कम हो जाता है। अब वह फिर से परेशान होने लगती है कि वही बुढ़िया माँ आकर उसका वड़ा पाव खाती है। अरे वाह बेटी, तुम तो बहुत अच्छा वड़ा पाव बना रही हो, तो परेशान क्यों हो? माँ जी शुरू में सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन अब कोई भी मेरे वड़ा पाव नहीं खा रहा है। अच्छा ऐसी बात है। तभी वो बुढ़िया अपने असली दुर्गा माँ के रूप में आकर बबिता को दर्शन देती है, जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी। माँ आप, मतलब इतने समय से आप मेरी मदद कर रही थी, मैं धन्य हूँ आपका ये दिव्य दर्शन पाकर। हाँ पुत्री, तुम मेरी पुत्री हो, मदद तो करनी ही थी। अब मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दे रही हूँ जिससे तुम्हारा काम चलेगा। तभी दिव्य रोशनी में बबिता के दोनों हाथ लंबे लंबे हो जाते हैं। तुम अपनी मनोइच्छा से कभी भी हाथ बड़े छोटे कर सकती हो, और जब जब तुम वड़ा पाव बेचोगी तो अपने लंबे हाथ के कर्तव्य से बचना, लोग तुम्हें देखकर जरूर आकर्षित होंगे। शुक्रिया माँ। तभी दुर्गा माँ गायब हो जाती हैं और अपने लंबे हाथों से कर्तव्य करके बबिता वड़ा पाव बेचने लगती है। उसके लंबे लंबे हाथ देख दूर से लोग उसके ठेले पर भीड़ लगा लेते हैं। ओ बाप रे बाप, इन आंटी के कितने लंबे हाथ हैं। देखो ये वड़ा पाव बेच रही हैं। आंटी आंटी मुझे भी अपने लंबे हाथों से दीजिए ना। और मुझे भी। हाँ हाँ, सबको लंबे हाथ वाले वड़ा पाव जरूर मिलेंगे, देखो मेरा कमाल।
बबीता बैठे बैठे खड़े हुए लोगों को वड़ा पाव बनाकर सबके हाथ में थमा देती है। ये देख लोग आकर्षित हो जाते हैं और बबीता का पहला दिन की तरह उसके लंबे हाथों को देख वड़ा पाव बिकने लगते हैं। धीरे धीरे उसका काम इतना फैल जाता है कि अब वह एक बड़े ठेले से बड़ी दुकान लगाकर वड़ा पाव बेचने लगती है, जिसमें अब उसकी नकचिड़ी सास और नंद भी मदद किया करती थी। पति भी अब ठीक हो गया था और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।